नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौवे के ऐसे 10 शुभ संकेतों के बारे में जिसे आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, वीडियो बिल्कुल नया है, आपको ये वीडियो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, कहीं आपको इसके बारे में नहीं बताया गया है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कौवा का 10 ऐसे शुभ संकेत के बारे में जो आप लोग के सामने अक्सर घटता है लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण आप उस संकेत का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 10 संकेत बताऊंगा कौवा का, जो अगर आप लोग जान जाओगे और देख लोगे और समझ लोगे ना दोस्तों, तो मेरी गारंटी है आप लोग के जीवन में जितने भी कष्ट है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपका जीवन आने वाले समय में सुखद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। कौवा दोस्तों बहुत सारे पैसे देने का संकेत देता है, करोड़पति बनाने का संकेत देता है, जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देता है, लक्ष्य पाने का संकेत देता है, लेकिन हमें ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता कि कौवा क्या संकेत देता है। अक्सर हम लोग कौवे को कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये उसका कार्य है, वो अपना काम कर रहा है और उससे हम लोग ये बात सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है, जब भी आप उसे देखोगे, अगर आप उसे नज़रअंदाज नहीं करोगे और उसके कार्य को देखोगे, तो मेरी गारंटी है आप अपने होने वाले जीवन में सुख या दुख सारे के सारे घटनाओं को आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन में ढाल भी सकोगे और अपने बारे में जान भी सकोगे कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लोग का शनिदेव का कृपा चाहते हो आपके ऊपर आए तो आपको कमेंट में जय शनिदेव लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से कमेंट में जय शनिदेव लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं, हम कौवे के 10 संकेतों के बारे में बताते हैं जो आप लोग के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन को ला सकता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है यात्रा पर निकलते समय घर में कौवा का आना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, किसी भी शुभ कार्य में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अचानक आप घर से बाहर निकलते हो तो देखते हो कि कौवा आपके घर में आ गया और काँव काँव कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों, जो आप कार्य करने जा रहे हो और आप जहाँ जा रहे हो वो आपके लिए शुभ संकेत देता है। आप वहाँ जाओगे, जो आपके साथ होने वाला है वो बहुत ही अच्छा और सुखद होगा। इसलिए अगर आप जब भी कहीं जाए और आपके सामने कौवा काँव काँव कर दे आपके घर में आके, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत में आता है। और दूसरा है झुंड में कौवा देखना। दोस्तों, कई बार देखते हो कि कहीं कौवा मर जाता है तो झुंड में कौवा आप लोगों को दिखता है, काँव काँव करता है, तो वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो उसके समूह का कोई एक सदस्य मर जाता है तो झुंड में काँव काँव करता है। तो दोस्तों, ये झुंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरह की झुंड की बात कर रहा हूँ, जो कौवा अपनी मर्जी से झुंड लगाता है आपके छत के ऊपर या आपके ऊपर किसी मर्जी से, तो ये एक शुभ संकेत में आता है। दोस्तों, जब भी अनहोनी होने वाला होता है तो वो कौवा आपको पहले ही आगाह कर देता है। इसी तरह कौवा जब भी आपको झुंड में दिखे, किसी पेड़ में झुंड में दिखे काँव काँव करता हुआ, तो आप समझ लेना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है दक्षिण दिशा में कौवे का बोलना। दोस्तों, अगर आप देखोगे कि कौवे दक्षिण दिशा से, ध्यान रखिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण दिशा से, अगर दक्षिण दिशा से कौवा काँव काँव बोलता है तो ये आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति को लेके आएगा। आपके जीवन में जितनी भी कष्ट है सभी के सभी दूर हो जाएंगे। अगर कौवा अगर आपके सामने दक्षिण की दिशा से बोल रहा है या आपके घर के दक्षिण दिशा से बोल रहा है, अगर आपके घर के दक्षिण दिशा से बोल रहा है तो आपके घर में जो आने वाला संकट है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा और आपका घर भी सुखमय जीवन होगा और बूढ़े बुजुर्ग जो भी घर में है सबके स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है कौवे का शरीर पर बैठना। यूं तो दोस्तों देखा जाता है कि कौवे अक्सर आसमान में उड़ते हैं और किसी के हाथ नहीं आते हैं। कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है जिसकी वजह से वो
इंसान को देखकर इंसान से दूर ही रहता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ये उठता है कि कौवा अगर आपके शरीर में आकर बैठ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होने वाला है। दोस्तों कौवा आपके शरीर में उस समय बैठेगा जब आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तभी कौवा आपके ऊपर बैठेगा। जिससे अगर कौवा आपके ऊपर बैठ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद और सुखमय जीवन की कामना कौवा आपके लिए करता है। दोस्तों हमारे लिस्ट में पाँचवें नंबर पर आता है कौवे को रोटी देना। दोस्तों अगर आप कौवे को रोटी देते हो या फिर कौवा आपको रोटी खाता हुआ दिख जाता है तो इससे बड़ा शुभ संकेत आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कौवे को रोटी देते हैं या फिर कौवा आपके सामने रोटी खा रहा है तो इसका यह मतलब होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके घर में जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। आपके ऊपर जितना कर्जा है वो सारा का कर्जा माफ हो जाएगा अगर आप लोगों के सामने कौवा रोटी खाता है तो। कौवा का बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है कौवा का रोटी खाना। दोस्तों हमारे लिस्ट में छठे नंबर पे आता है कौवा का अंडा देना। दोस्तों अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कौवा पेड़ में अंडा देता है जिसके वजह से अगर आप उसके सामने जाते हो तो आप पे चोंच मारने के लिए कौवा झपटता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अगर आपके घरों में कौवा अंडा दे देता है तो इससे बड़ा शुभ संकेत दोस्तों मेरे नज़र में तो कुछ है नहीं। कौवा हमेशा उस जगह अंडा देता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ खुशियों का माहौल होता है, कौवा उसी जगह अंडा देता है। अगर कौवा आपके घर में अंडा दे दिया यानी कि आपके छत में कहीं किसी कोने में अंडा दे दिया तो इसका ये मतलब समझिए कि आपका जो घर है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ है और साथ ही साथ आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन सभी लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों अगर कौवा आपके घर में अंडा देता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत होता है। दोस्तों इसी के बीच में हमारे लिस्ट में सातवें नंबर पे आता है कौवा का पानी पीना। दोस्तों यूं तो सभी जानवर पक्षियां पानी पीते हैं लेकिन कौवा का पानी पीना आपके छत में, अगर कौवा आपके छत में आकर पानी पीता है तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा आप छत में एक कटोरी में पानी जरूर रखें ताकि कौवा भी आपके छत में आए और पानी पी सके, जिससे आपके जीवन में जितने भी कर्ज है और जितने भी कष्ट है वो सारा का सारा दूर हो जाए। दोस्तों इसलिए कौवे को हमेशा पानी देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह हमारे लिस्ट में आठवें नंबर पे आता है उदास अवस्था में कौवे को देखना। दोस्तों ये तो मैं बता दूं उदास अवस्था में कौवा को देखना शुभ तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कौवा आपके घर में या आंगन में काँव काँव करता है, खुशी से काँव काँव करता है तो ये शुभ होता है। लेकिन कौवा जब आपके घर में अगर काँव काँव कर रहा उदास होकर तो इसका ये संकेत होता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपके घर में बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। अगर आप लोग उस घटना से बचना चाहते हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपके घर में कौवा आ जाता है और टेंशन में आप लोग ले लेते हो कि कैसे बचे, घर में जो कौवा उदास है तो सभी लोग टेंशन ले लेते इस बात को लेके कि कौवा मेरे घर में उदास हुआ है तो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को शनिदेव के मंदिर में जाकर दिया जलाना है क्योंकि कौवा को शनिदेव का ही वाहन बोला जाता है। अगर आप लोग शनिदेव को प्रसन्न कर देते हो तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं वो आपके घर में ये सुखद जीवन में बदल जाएगा और आपके घर में जो भी कष्ट होगा वो धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर में जोड़े में कौवा दिखता है, जैसे कि दोस्तों दो कौवा एक साथ बैठा हुआ है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद जीवन का कामना करता है क्योंकि दोस्तों इसका यह संकेत होता है कि आपके घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। इसका ये मतलब है कि आपके घर में जल्द ही आपके परिवार में किसी एक सदस्य की शादी होने वाली है। तो अगर जोड़े में कौवा दिखता तो ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है। जो आप जो चीज़ तलाश कर रहे हो, घर में अच्छी पत्नी की तलाश कर रहे हो या अच्छे पति की तलाश कर रहे हो, वो आपकी जो भी कामना है सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आपके आने वाले जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपको अच्छा पति आपको मिलेगा। इसी लिस्ट में हमारे दसवें नंबर पे आता है उत्तर या पूर्व दिशा से कौवे का काँव काँव बोलना। दोस्तों अगर कौवा उत्तर या पूर्व दिशा से काँव काँव बोलता है तो ये संकेत देता है कि आपके घर में अतिथि आने वाला है। आपके घर में अतिथि का आगमन होगा, कोई गेस्ट आ सकता है, कोई मेहमान आने वाला होता है, तभी कौवा उत्तर या पूर्व दिशा से काँव काँव करता है। दोस्तों बहुत से लोगों का धारणा ये होता है कि अगर जब भी कौवा काँव काँव करता है तो इसका ये मतलब होता है कि अतिथि आने वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, कौवा उत्तर या पूर्व दिशा से जब काँव काँव करता है तभी आपके घर में अतिथि का आने का आगमन होता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।